हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें क्रोम ब्राउज़र से। जी हाँ गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं क्रोम से तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना समय वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको गाइज क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया हूँ। और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और सर्च बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है लॉग इन इंस्टाग्राम। ओके गाइज, इतना आपको टाइप करना है लॉग इन इंस्टाग्राम, और उसके बाद जो है सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर में आपको मिलेगा ये इंस्टाग्राम का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ देर के लिए सर्चिंग लेगा, और सर्चिंग लेने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना इंस्टाग्राम की आईडी लॉगिन कर लेना है। जिस इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली के लिए डिलीट करना है उस इंस्टाग्राम की आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम की आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, और आप भी लॉगिन कर लीजिए फटाफट से। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। ओके फ्रेंड्स, और नीचे आने पर आपको यहाँ पर मिलेगा हेल्प सेंटर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप हेल्प सेंटर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी लिखा होगा वो सब हिंदी में लिखा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज को चेंज कर लेना है। तो लैंग्वेज को चेंज करने के लिए गाइस सबसे नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके, और नीचे आने पर यहाँ पर आपको एक इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है इस तरीके से। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना है डिलीट इंस्टाग्राम। ओके गाइज, आपको इतना टाइप करना है डिलीट इंस्टाग्राम। और जैसे ही आप डिलीट इंस्टाग्राम टाइप करते हैं तो आपके सामने जो है बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको फर्स्ट में जो ऑप्शन मिलेगा डिलीट माय इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। ओके फ्रेंड्स, नीचे आने पर यहाँ पर आपको मिलेगा डिलीट योर अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद कुछ देर के लिए सर्चिंग लेगा, एक दो सेकंड के लिए। और सर्चिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको ब्राउज़र सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र को। और उसके बाद फिर से सर्चिंग लेगा, और सर्चिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिलीट योर अकाउंट, और उसके नीचे में आपको यहाँ पर एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके साइड में आपको यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कोई एक रीजन सेलेक्ट कर लेना है, तो चलिए मैं यहाँ पर कोई एक रीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी रीजन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट ए सेकंड अकाउंट, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और रीजन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा री इंटर योर पासपोर्ट, तो आपको इस बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड जो है वो यहाँ पर इंटर करना है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड को इंटर कर देता हूँ, और आप भी फटाफट से कर दीजिए अपना पासवर्ड इंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पासवर्ड को इंटर कर दिया हूँ। और पासवर्ड इंटर करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने पर यहाँ पर आपको मिलेगा डिलीट, और उसके साइड में जो आपका यूज़र आईडी होगा यानी कि यूज़र नेम होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और जैसे ही डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कैंसिल और ओके। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जो है इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली के लिए डिलीट करना है तो आप ओके कर दीजिए, और नहीं करना है तो कैंसिल कर दीजिए। तो हमें इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली के लिए डिलीट करना है, तो हम ओके कर देते हैं। और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंटली के लिए क्रोम ब्राउजर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन सेप्टेम्बर
15th 2021, यानी कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है 15 सितंबर 2021 को डिलीट हो चुका है परमानेंटली के लिए। तो इसी तरीके से आप क्रोम ब्राउज़र से इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग के लिए ऐसे ही नए नए जानकारी एंड नए नए इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर एक नए वीडियो मिलते हैं नए ट्रिक के साथ, जब तक के लिए बाय।